इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की खबर है। बाइक से दो शूटर ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बाइक सवार शूटर्स ने हवाई फायरिंग की है, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाकर भागे हैं बाइक सवार शूटर। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग से सनसनी फैल गई है। सुबह तड़के गोलियां चलाकर भागे हैं बाइक सवार। बताया जा रहा है कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर दो अनजान शख्स ने फायरिंग की है और इसके बाद सनसनी पूरे इलाके में, फैंस में अफरा तफरी का माहौल भी है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को अब बढ़ाया गया है, सलमान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई से हमारे संवाददाता नीतीश झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं जो जानकारी इस वक्त हमें मिली है उसके मुताबिक अगर बात करें तो तकरीबन सुबह 5:30 बजे जो है दो द्वारा जो गोली चलाई गई है। हालांकि इस गोलीबारी में किसी प्रकार की हानि तो हुई नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक घटना जो है मानी जा रही है, क्योंकि सलमान खान के घर के बाहर ये हुई। और हालांकि सलमान खान को पहले भी कई अलग अलग गैंग द्वारा जो है जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, तो इसलिए ये जो पूरा मामला है तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मामला जो है माना जा रहा है। आपको बता दें हालांकि फॉरेंसिक टीम जो है सलमान खान के घर के बाहर पहुंच चुकी है, जो है जांच फॉरेंसिक टीम की तरफ से शुरू कर दी गई है और उनके घर के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और पुलिस पूरे मामले की जो है तफ्तीश में जुड़ गई है। कितने लोग थे, कहां से आए थे? बताया जा रहा है बाइक पर सवार थे, किसी ने देखा गोली चलाते हुए, इस तरह की कोई और अपडेट मिल पाया क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो अपडेट मिला है उसके अनुसार 2 से 3 लोग जो है हो सकते हैं जो इस घटना में शामिल हो। हालांकि कोई सीसीटीवी फुटेज या किसी गवाह या किसी ऐसे जिन्होंने उन्हें देखा हो ऐसे किसी लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस ने अभी तफ्तीश शुरू किया है, तो जल्द से जल्द जो है जो कुछ जानकारी वहां से मिलेगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन